हाँ, वीडियो के दौरान हम आपको बता दें कि नाट कौन की हम पढ़ा रहे हैं उसमें पार्ट चार है और यौतुक पाप संचय। यौतुक माने होता है दहेज और पाप संचय का अर्थ दहेज के कारण पाप का संचय। भारतीय समाज में आज भी दहेज एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष बहुत सी बहुएं दहेज के कारण अपना जीवन समाप्त कर देती है। अब यह धीरे धीरे समाज से इस कुरीत के रूप में फैल चुका है। पहले दहेज एक पवित्रता संबंध जोड़ने के संदर्भ में दिया जाता था, लेकिन यह दहेज एक ऋण के रूप में पिता की पुत्री की पिता को उसके विवाह के रूप में देना पड़ता है। यह एक तरह का इसी तरह की कहानी है भारत में भारतीय समाज में प्रचलित अलसा रूप में कुठार घटती हुई की गई है। इसमें हम आपको बता दें कि एक रामनाथ है, मैं इस पूरे सारांश को आपके सामने रख रहा हूं। रामनाथ है, विनय है, दोनों बचपन काल में मित्र थे, क्लास फेलो थे, एक जगह पढ़ते थे। पढ़ने के कुछ दिन बड़े होने के बाद धीरे धीरे पारिवारिक जीवन दोनों का होता है। पारिवारिक जीवन में रामनाथ के पास दो पुत्र पैदा होते हैं और दोनों पुत्रों में से विनय थोड़ा निर्धन है। वह अपनी बड़ी पुत्री सुवेदा का विवाह रामनाथ के पुत्र से कर देता है। दहेज में उसे कुछ भी नहीं अधिक दे पाता है और रामनाथ को इसका पश्चाताप होता है कि मैं अपने मित्र के घर अपनी लड़के की शादी करके गलती किया हूँ। इसलिए दूसरे पुत्र की शादी वह दुर्गादास एक सेठ के परिवार में करता है। जब दुर्गादास सेठ के परिवार में करता है तो दुर्गादास अत्य धन संपन्न धनी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, अहंकारी भी है और इसके कारण यह बात साबित होती है कि दुर्गा दास की पुत्री को बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, वह भी अहंकारी हो जाती है। उसके विवाह में अत्यधिक खर्च करने के कारण दुर्गा दास अपनी पुत्री की जब विदाई करता है तो उसके साथ काम करने वाले दोनों का अधिक से अधिक मात्रा में धन देकर के विदाई करता है, जिसके कारण रामनाथ और उसकी पत्नी का नाम रंभा है, रंभा अत्यधिक प्रसन्न होती है और इसकी छोटी बहू के आने के कारण सुमेधा का धीरे धीरे घर में उपेक्षा शुरू हो जाती है, अपमान होने लगता है और इस अपमान में यह स्थिति एक दिन इस स्थिति पर पहुंच जाती है कि रामनाथ अपने समधी अर्थात सुमेधा को पिता को बुला करके और कहते हैं कि अपनी पुत्री को आप घर ले जाइए, क्योंकि दुर्गा दास जो मेरे दूसरे समधी हैं उन्होंने दहेज में दो नौकर नौकरानियों को भेज दिया है जो घर का काम सारा समाप्त करती हैं। अब उसे घर का काम नौकरानी की जगह पर भी नहीं रखना चाहता है सुमेधा। यह बात सुनकर के विनय बड़ा दुखी होता है, अनेक प्रकार का अनुनय विनय करता है अपने समधी रामनाथ से, लेकिन रामनाथ इस बात पर तैयार नहीं होता है और यात्रा करके भोजन करने के बहाने निकल जाता है। उसी दौरान जब भोजन करने के बहाने निकल जाता है तब तक कुछ देर बाद एक फोन की घंटी घर में बजती है। रंभा उठाती है और रंभा माने रामनाथ की पत्नी, तो उसे पता चलता है कि उसका पति एक्सीडेंट होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण एक अस्पताल है, उस अस्पताल में भर्ती है और भर्ती होने के कारण उसे इस बात को परिवार में सुनती है छोटी बहू के घर में
अपने मायके किसी प्रकार का उत्सव है, वह आती है अपने ससुर के दुर्घटना के बारे में सुनती है और मम्मी कहती भी है कि रुक जाओ, अस्पताल जाना है, उनके लिए व्यवस्था करना है, लेकिन वह कहती है कि अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आप देख लीजिएगा मम्मी, मैं अपने घर मायके जा रहा हूँ। सुमेधा वहां थी, सुमेधा ने अपनी सास से कहा ठीक है जाने दीजिए, और वह बिना वही अन्वय करता है सुमेधा से भी, सुमेधा कहती है कि पिताजी आप जाइए, मैं इनकी सेवा कर लेने के बाद अब आपके साथ चलूंगी जब ये ठीक हो जाए। सुमेधा पूरी तरह से रुक जाती है, क्योंकि वह निर्धन परिवार की है, उसके पास सेवा है धन नहीं है, वह पूरी तन्मयता से प्रतिदिन अस्पताल जाती है, अपना रक्त दे करके अपने ससुर अर्थात रामदास का जान बचाती है और प्रतिदिन इस काम को करते हुए उस परिवार में अपनी कुर्बानी देती है। इसके कारण धीरे धीरे छोटी बहू चली गई, वो लौट के भी नहीं आई, अस्पताल देखने भी नहीं गई। रामनाथ और रंभा के मन में सुमेधा के प्रति यह भावना जागृत हुई कि यह बहू उदार सच्चरित सेवाशील है और उसकी सेवा के कारण और उसके रक्तदान के कारण ही रामनाथ का जीवन बच गया। पुनः जब रामनाथ ठीक हो जाते हैं, अस्पताल से आते हैं, तो उनके मित्र विनय उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनके संबंधी रामनाथ यह जान करके प्रसन्न होते हैं और मिठाई मंगाते हैं खाने के लिए, तो रामनाथ की मिठाई विनय कहते हैं हमने मिठाई खा लिया क्योंकि मेरी सुमेधा ने आपको प्रसन्न कर दिया, उससे बड़ी मेरे लिए मिठाई कोई नहीं हो सकती। लेकिन रामनाथ अपने विनय को श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ पूर्वक फिर से जोड़ते हैं, अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर सुमेधा नहीं होती, रंभा भी इस बात को मानती है कि अगर सुमेधा नहीं होती तो सेवा तो की जा सकती थी, लेकिन रक्त नहीं मिलता, रक्त न मिलने के कारण रामनाथ की मृत्यु हो जाती। बड़ी बहू रक्त देकर के, दहेज तो परिवार वालों ने नहीं दिया, लेकिन रक्त देकर के अपने ससुर की रक्षा कर ली। अब इस पूरी यौतुक पाप संचय से दो चीजें सामने उभर के आती हैं कि धनी और गरीब दोनों के संस्कारों में अंतर हो जाता है, और अंतर या अहंकार के कारण होता है। ऐसा मेरा नहीं कहना है कि धनवान व्यक्ति संस्कारित नहीं होता है, लेकिन अगर उसका पालन पोषण, उसके रहन सहन वातावरण में हर जगह उसे अगर धन की उपलब्धता का ज्ञान कराया जाए तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से अहंकारी हो जाता है। पुनः सुमेधा उस परिवार में स्थापित होती है और पुनः कभी भी वह जाने ले जाने के लिए तैयार होकर के भी विनय आते हैं तो रामनाथ उसे भेजना नहीं चाहते हैं। यही पूरा इसका सारांश है। अब इसमें आपको मिला करके रामनाथ, विनय, सुमेधा, उसकी छोटी बहू रंभा, ये चार पांच नाम आए हैं इसमें, और इन सब में चरित्र का किसी का पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा दो ही चरित्र पूछे जाते हैं, या तो रंभा का या सुमेधा का। चूंकि रंभा एक सास थी तो उसके चरित्र में दहेज के प्रति लोभी थी, धन के प्रति लोभी थी, तो बड़ी बहू के साथ वह अच्छा व्यवहार नहीं कर पाती थी, जिसके कारण वह उसमें यह गुण थे, स्वार्थी थी, धन की लालच थी, पतिव्रता स्त्री थी, अर्थात रामनाथ से वह प्रेम करती थी और कृतज्ञ, अगर कोई उसके साथ उपकार कर देता था, भलाई कर देता था तो उसे वह समझती थी, लज्जानुभूत। सुमेधा के साथ उसने जो व्यवहार किया था दहेज के लिए, वह बाद में विजय विनय के सामने लज्जानुभूत करती है और माफी मांगती है और प्रायश्चित करने का भाव रखने वाली एक भारतीय नारी में या भारतीय व्यवस्था में जो गुण होना चाहिए वह स्वाभाविक रूप से है। भाई स्वार्थी समाज में सभी लोग होते हैं, अपने काम को करना चाहते हैं,
लेकिन बहुत स्वार्थी नहीं होना, स्वयं का काम करना, अगर उससे समय बचता है तो दूसरे के लिए भी भलाई करना चाहिए। धन की लोलुपता सब में होती थी, लेकिन स्त्री का हुआ सबसे बड़ा गुण पतिव्रता होना, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाली, लज्जा अनुभूत करना, अगर गलत हो गया तो उसे धारणा नहीं उसे मान लेना, और गलती का प्रायश्चित माने माफी मांगना, गलती में सुधार करना है, उसका स्वाभाविक गुण था। यह रंभा का चरित्र है। विनय का चरित्र, अब आपको हमने शुरू में बताया कि रामनाथ विनय मित्र है, तो विनय जो था पुत्री की, विनय की ही लड़की का नाम सुमेधा था, तो वो पुत्री की प्रताड़ना से व्यथित होता था। कोई भी पिता अपनी संतान की प्रताड़ना से व्यथित होता ही है, स्वाभाविक गुण था उसका। विनय विनम्र और सभ्य था, जैसा नाम है विनय का वैसा उसके अंदर गुण भी था, विनय और सभ्य भी था। सुमेधा क्षमाशील, चोट लगने के बाद वो कह सकता था कि मैं अपनी पुत्री को ले जा सकता हूं, लेकिन उसने रामनाथ की बात को ध्यान में न रख करके उसने सुमेधा की बात को मान करके छोड़ दिया। और प्रगतिशील विचारक, प्रगतिशील विचारक माने परिवर्तन जो हो गया उसे मानने वाला, आगे बढ़ने वाला था, पीछे की भूल पर या पीछे की गलतियों पर वह खोदने और शोधने वाला नहीं था। तो यह हो गया विनय का चरित्रण। रामनाथ का चरित्रण, चूंकि उसका विनय और रामनाथ दोनों मित्र हैं, स्वभाव से बचपन से ही परिचित है, लेकिन फिर भी रामनाथ में कुछ कमी है, स्वार्थी और लोभी है, क्रूर है। ये दो तीन काम के कारण ही सुमेधा को वो कहा कि तुम अपने घर से अपने घर ले जाओ उसको, अपनी पुत्री को, उसकी पुत्री को अपने बहू के रूप में न देख करके नौकरानी के रूप में उसने उसका संबोधन किया, यह उसके क्रूरता का परिचय है। और लेकिन दुर्घटना जब हुई, रक्त की जरूरत पड़ी, सुमेधा ने अपनी श्रद्धा और सेवा से उसका जीवन बचा लिया, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। तो ये तीन चार चरित्रण है, इन चरित्रणों के माध्यम से हमें भी यह निश्चित कर लेना चाहिए या जान लेना चाहिए कि समाज में किस तरह के लोगों के द्वारा समाज चलाया जा सकता है। समाज को छोड़ दीजिए, परिवार चलाने की बात है, समाज बहुत बड़ी इकाई होती है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हम अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं, और जो परिवार को भी चलाने से एक छोटी इकाई है, हम अपने आप को कैसा समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। सुमेधा ने जैसा प्रस्तुत किया, अगर ऐसा हर स्त्री पुरुष इस तरह का अपने समाज में अपने घर में अपने को प्रस्तुत करे, तो न व्यक्ति समस्या बनेगा, न परिवार में समस्या होगी, न समाज में समस्या होगी। इस कहानी का यही लक्ष्य है। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आपकी किताब में नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तरों को आप देख लीजिए। सुमेधा विनयस्य तस्याशी, सुमेधा कस्य थी, सुमेधा कस्याशी, तो सुमेधा विनयस्य तनयाशी, तनया माने होता है पुत्र, तनय माने संस्कृत में या हिंदी में ही, तनय माने पुत्र होता है, तनया माने पुत्री, सुमेधा विनय की पुत्री थी। सुमेधा स्वभाव कस्याशी, सुमेधा का स्वभाव कैसा था और बड़ी बहू छोटी बहू का कैसा व्यवहार था, तो सुमेधा जो थी विदुषी, पढ़ी लिखी थी, सुसंस्कृता, उसके पास संस्कार थे, सहनशीलता थी, ये सारे गुण सुमेधा के अंदर पाए जाते थे। रामनाथस्य गृहे कलह मूलम, सुमेधा निर्धनम कुलगमनम व्युत्तम धनम लोभस्य। रामनाथ का एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी दो बच्चे, उनके घर में कलह का कारण क्या था, तो उनके घर में एकमात्र कारण था गृहे कलहम सुमेधाय निर्धनम कुलम आगनम। सुमेधा एक गरीब परिवार से आई थी, वह
धनया योतकम माने होता है दहेज न लेकर के आई थी, वह धने दहेज के लोग के कारण ही उस घर में भी कलह था। तो राम नानस गृहे कलह सुमेधा धनम कुल आगमनम औतकम धन लोभस्य, दहेज के धन के लोभ के कारण ये कलह था। रंभा सुमेधया स दुर्व्यवहार सम कारणम एकम एव आशी यत सा आत्मानम सा बहुधनम नानित होती। उसके साथ सुमेधा के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता था या क्यों दुर्व्यवहार किया जाता था, तो उसका कारण था एकम एव आशी यत सा आत्मना सा बहुधनम नानवती, वह अपने साथ बहुत अधिक धन लेकर के नहीं आई हुई थी, इसी कारण सुमेधा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसको संस्कृत में लिखा गया है रम्भया माने उसकी पत्नी सुमेधा के साथ इसलिए दुर्व्यवहार करती थी एवमेव आसीत यत सा आत्मन सा बहुधनम नातिवन्ती, अपने संग बहुत धन नहीं लाई हुई थी। रामनाथस्य गृहे सर्वाणि गृह कार्याणि सुमेधा करो, रामनाथ के बीमार पड़ने पर सभी सभी प्रकार के कार्य या पहले भी सभी कार्य कौन करते थे, सुमेधा करती थी। तो रामनाथस्य गृहे सर्वाणि गृह कार्याणि सभी प्रकार के कौन करता था, तो सभी प्रकार के गृह कार्याणि सुमेधा अकरोत माने किया, ये भूतकाल का। चपलया चपलया उसके दूसरे बहू के नाम था चपला, तो चपलया पितुनामा, चपलया के पिता का क्या नाम था, तो चपलया पितुनामा श्रेष्ठ दुर्गा दास सेठा आशी, चपलया के पिता का नाम श्री श्रेष्ठ दुर्गा दास था। चपला के पिता का नाम दुर्गा दास था और सुमेधा के पिता का नाम रामनाथ था। चपला स्वभावेन कस्य आसी, तो चपला स्वभावेन स्वतंत्रतया धनिका गृहलाल नाम उच्छंकलम आशी, चपला स्वभाव से स्वतंत्र धनी गृह में लालन पालन होने के कारण उच्छल स्वभाव की थी। उच्छल मतलब होता उदंड, अच्छा न स्वभाव होने वाला न अच्छा उच्छल आशी। रामनाथ रक्तम कस्य ददाति, रामनाथ को खून या रक्त किसने दिया, तो रामनाथाय रक्तम सुमेधा अददात, रंभा रामनाथस्य भार्या रंभा कस्य आशी या रामनाथ पत्नी किम आशी, तो रामनाथ पत्नी रंभा आशी या रंभा रामनाथस्य भार्या, भार्या माने होता है पत्नी, भगनी माने होता है बहन, भार्या माने पत्नी, तो रंभा रामनाथ की पत्नी थी। रंभा धन लोभेन स्वार्थिना भूत, रंभा का स्वभाव कैसे बिगड़ गया, तो वह रंभा का स्वभाव बिगड़ने का कारण था धन लाभ लोभेन लालच लोभ व्याधि कारणम, लोभ रोग या व्याधि दुख का कारण होता है, तो इसने भी लोभ का कारण था, इस लोभ के कारण के कारण धन लोलुपता उसके अंदर हो गई थी, यह लोभ ही उसके पाप का कारण था। दय रामनाथस्य पुत्र वधौ आस्ताम, रामनाथ के कितने पुत्र वधु थी, तो दय रामनाथस्य पुत्र वधौ आस्ताम, रामनाथ के दो पुत्री थी। चपला रामनाथस्य पुत्र वधु आसी, चपला कस्य आसी या सुमेधा कस्य आसी, हमेशा ध्यान दीजिए संस्कृत में क्या पूछा जा रहा है, तो चपला रामनाथस्य पुत्र वधु आशी या बहु आशी, पुत्र वधु भी लिख सकते हैं बहु भी लिख सकते हैं। रामनाथस्य विनयस्य मित्रम सुमेधा से ससुर आशी, रामनाथ विनय मित्र थे और सुमेधा के ससुर थे, रामनाथ विनय मित्र थे और रामनाथ जो थे वो सुमेधा के ससुर थे।
सुमेधा रामनाथस्य स्वरक्तम प्रदत्तम अत्येव तस्य हृदय परिवर्तनम जातम। रामनाथ हृदय परिवर्तनम कस्य भवत, कैसे हुआ? तो सुमेधा ने जब रामनाथस्य स्वरक्तम प्रदत्तम अपने खून को दे करके उनके प्राणों की रक्षा की, तो इसका उनके हृदय पर बहुत असर पड़ा, इस कारण हृदय परिवर्तन हुआ। इस तरह से आपके सामने ये प्रश्न उत्तर थे। अब इसी में नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनमें बहुविकल्पी प्रश्न है, उनका उत्तर हम बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। इसमें भरना है या एक शब्दों में उत्तर देना है? अधुना इमं शोधम असमर्थो अश्मि, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलहम, कलह के कारण। फिर दूसरा है, मम कनिष्ठ पुत्र वधु चपलया पिता सोष्टि, तो प्रेषिता सब गृहे कुरुता, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न है कि कनिष्ठ पुत्र वधु के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम उन्होंने बताया है दुर्गादास, तो दुर्गादासेन अस्मिन् गृहे तु हिता नास्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा भार रूपा न्यायस्मेधे तौ धनु वस्वर्णे पूर्वमेव प्राप्तम प्राप्तम और पथितम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग है, ग में है आपका क्या है, चौथे का ग है तक्रम, नहीं चौ हाँ चौथे का घ है जलम, तक्रम गलत है, घ है जलम। फिर पांचवा है तरुणस्य चिकित्सा तु, फिर गैप है कार्यम, तो इसमें भी उत्तर घ होगा चिकित्सया। छठा है आपातकाले एव परिच्छन्ते, तो इसका उत्तर हो जाएगा हितैषिणी, हितैषिणी आपातकाले एव परिच्छन्ते, हितैषियों को आपातकालों में परखना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर सात है दुर्घटना मम नेत्राभ्याम कांचनम स उत्पन्नम अपनितम, तो अंधत्वम, अंधत्वम इसका उत्तर हो जाएगा दुर्घटना मेरे नेत्र के सामने उत्पन्न कर देती है अंधत्वम, अंधापन। फिर तस्या त्याग सला सुमेधया रक्तदानेव एष, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख जीवित। नवम है जीवनम ददाति रक्तपातम अपहत्येव, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसन्न, उसने रक्त दान करके बहुत प्रसन्न थी। फिर दसवां प्रश्न है यौतिक इत्यादि अस्माभि विचारणमि, तो इसमें हो जाएगा यौतुक माने होता है दहेज पाप संचय इत्यापि अस्माभि विचारणीय। फिर ग्यारहवा है सत्यमेव न त्यागम निष्फलम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कदापि, सत्यमेव न त्यागम निष्फलम कदापि, सत्य का नहीं त्याग करना चाहिए, ये निष्फल कभी नहीं जाता है अगर सत्य का हम पालन करते हैं। बारहवा है अहम स्वपुत्र वधु तुभ्यम समर्पयितुं निश्चयानि, तो बारहवा का उत्तर हो जाएगा इस किताब के अनुसार न्यास रूपेण। फिर तेरहवा है पहले ही जगह स्थान बना दिया है मित्रम क्रोधा अन्नम यथार्थ चित्तदात परम अधुनाम सुदम तुम सर्वाम सुदम, तो तेरहवें का उत्तर हो जाएगा ग लज्जस्व क्षमस्व, क्षमस्व मित्रम क्रोधान्नम, क्षमा करो क्रोध के समय पर, और यह क्षमा करना सुखदायक होता है। अब चौदहवा है चपला पुत्री आशी,
तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले भी आ चुका है, दुर्गा दासस्य, दुर्गा दास की पुत्री थी। यौतकम शब्दम अर्थ, तो यौतकुश शब्द का अर्थ है इसमें दिया हुआ है खपर दहेज। यौतक माने हमने सबसे पहले ही बताया दहेज। और फिर सोलहवां प्रश्न है सुमेधा पुत्री आशी, तो विनयस विनय की पुत्री थी सुमेधा। समाजे फिर आपका है प्रश्न सत्रहवां, समाजे निंदनीय, तो समाज में निंदनीय क्या है यौतुक, दहेज लेना या दहेज के लिए पुत्र वधु को प्रताड़ित करना यह समाज में निंदनीय कार्य है। तो यौतुक यौतुक पाप संचय नाटकस्य नायिका आशी, तो इसका नायिका जो है या इस नाटक का मुख्य पात्र है सुमेधा, क्योंकि पूरी कहानी सुमेधा के इर्द गिर्द घूम रही है। अब यह कहानी एक सामाजिक कहानी है जिसे आप समाज में अपने आसपास कभी कभी अपने परिवार में भी इस तरह की परिस्थितियां धन की लोलुपता के किसी कारण हो जाती है और उस कारण व्यवहार बदल जाता है। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा धन को न प्राथमिकता दे करके व्यक्ति के गुणों के कारण प्राथमिकता उसको देनी चाहिए।